बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई पे मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें। अभी आपने कहा यादव होशियार रहना, ब्रह्मण जी होशियार रहना, डॉक्टर आशुतोष से प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर आशुतोष जाट भाई होशियार रहना। 8 सालों से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस आपके चैनल पे होती रही है, आपके चैनल पे नकली मंदिर के सेट्स भी मैंने देखे। आज की वीडियो में बात मीडिया एंकर्स की करते हैं। मीडिया एंकर अक्सर डिबेट में बीजेपी पार्टी का पक्ष लेते दिखाई देते हैं, जिस पर विपक्षी नेता उन्हें सुना देते हैं। आज की वीडियो में बात उन्हीं कुछ डिबेट्स की करते हैं। न्यूज 18 पर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश देवकर ने विपक्षी नेताओं से सवाल किया, जब वे उनके जवाब में टोकने लगे तो उनको नेताओं ने फटकार लगा दी। से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वहाँ से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में, अच्छा बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना, अगर नहीं बच्चों की मौत पे बात हुई डिबेट नहीं करना, किसानों की मौत पे बात होगी डिबेट नहीं करना, बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई पे मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें। तो धर्म पर डिबेट आप ही करते हैं, जाति पे डिबेट आप ही करते हैं, अभी ब्राह्मणवाद की बात करी नहीं करी, खुद ही बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। ब्रह्मदेव दादा बोलते हैं, ब्रह्मदेव का जन्म नहीं, आप बोल रहे हैं, बोले नहीं, मैं सुप्रिया जी को मौका दे दूं पहले। दिक्कत क्या ना अमीश भाई, 30 सेकंड के लिए एक बात कह देती हूं, पुरानी दोस्ती आपसे, दिक्कत ये है कि मीडिया सुनना वो चाहता है और देखना वो चाहता है। आप नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी सीएम बने, मैंने आपसे क्या कहा, मीडिया तो देखना चाहे, मीडिया तो वही दिखाना चाहता है, जनता जीता है वो जीते, जी जी, लोगों की मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। मैं क्या खान साहब आपकी बात आ रहा हूं, इंडिया टीवी पर उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट को लेकर असीम वकार को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, पर असीम वकार ने इसका करारा जवाब दिया। तो फिर आप बीजेपी के आरोप से सहमत हो गए कि मुसलमान एक तरफा होकर वोट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने अपने विवेक से वोट करें सब। सर मुसलमान ने बीजेपी को नहीं वोट किया, कभी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों बार बार ये कहा जाता है कि भाई इनको हराना है। आप ये क्यों दावा करते हैं कि आपके कहने पर मुसलमान चले हराना, तो बीजेपी को नहीं। एक मिनट सर, समाजवादी भी चाहती बीजेपी हारे, बहुजन भी चाहती बीजेपी हारे, आरएलडी भी चाहती बीजेपी हारे, लालू भी चाहते बीजेपी हारे, ममता भी चाहती बीजेपी हारे, लेकिन मुसलमानों के नाम ना आए, मुसलमान गद्दार कहलाया जाए, मुसलमान की अगर आवाज उठाए आसिम वकार तो आसिम वकार को डंडों लाठियों से दबा दो। मुसलमान बीजेपी को वोट कहां देता है, जो आप लोग बार बार मुसलमानों होशियार रहना, मुसलमानों एकजुट रहना, मुसलमानों देख लेना बीजेपी ना जीते। अच्छा, अभी आपने कहा यादव होशियार रहना, ब्रह्मण जी होशियार रहना, डॉक्टर आशुतोष से प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर आशुतोष जाट भाई होशियार रहना, कभी कहा आपने? एक आज तक पर किसानी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने किसान नेता को राकेश टिकैत के बयानों पर घेरने की कोशिश की, पर किसान नेता ने एंकर की क्लास लगा दी। जब अल्लाह अकबर, हर हर महादेव इस तरह के नारे लगेंगे और बाद में फिर असदुद्दीन ओवैसी को भी किसान आंदोलन के बीच में खींच कर लेकर आया जाएगा, तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे कि आप भी हिंदू मुसलमान की अब राजनीति में क्या कूद पड़े हैं, क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल अब तक निभाता रहा है, खासतौर से पश्चिमी यूपी की सियासत में। मैं आपको ये बता दूं, ये इस क्षेत्र में कोई ये नारा नया नहीं है। 1857 की क्रांति में आप जाएं, जब 1857 में मेरठ से लोग चले थे तो इसी नारे के साथ चले थे। ये नारा हमेशा समाज में एक अपना एकता का, भाईचारे का, और इकट्ठा मिलके किसी भी इश्यू को लेके जब वो कार्य करते हैं तो ये नारा लगता है। ये नारा आज नहीं लगा है, देश 47 में आज़ाद हुआ, तो ये बेकार में कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, इस नारे से क्या हो गया। अगर मुस्लिम और हिंदू मिलके एक दूसरे का नारा लगा रहे हैं तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ क्या है, क्या दर्द है इसमें, कौन सी राजनीति इसमें होगी। जी न्यूज पर उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एसपी नेता ने एंकर को हिंदू मुसलमान करने पर टोका, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस देखने को मिली। घनश्याम जी आप बोलिए, ये अब्बा जान शब्द से प्रॉब्लम है, ये नहीं बोलना चाहिए था, घोटाले का जिक्र हो सकता है, भाई आरोप है, सही बात है, आरोप है, जांच चल रही है, ये शब्द अब्बा जान जानबूझकर कहा गया इंटेंशनली। जी जी अमन घनश्याम जी, 8 सालों से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस आपके चैनल पे होती रही है, आपके चैनल पे नकली मंदिर के सेट्स भी मैंने देखे हैं। मैं फिर भी आपको चुनौती देता हूँ, हिंदू मुसलमान कैसे होता है, आप क्या सोचते हैं हिंदू मुसलमान? नहीं नहीं, आपने आरोप लगाया चैनल पर, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये आज तो हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं है ना, आज तो मैं खाद्यान्न घोटाले की डिबेट कर रहा हूँ ना। आपकी बात रखने दी, फिर आप बोलिए। नहीं नहीं, कैसे, आपने बोला आपका चैनल हिंदू मुसलमान की डिबेट करता है, जी चैनल पर मत बोलिएगा जी। आपको आप पत्रकार है, खुली चुनौती देता हूँ जी,
कि अगर आदित्यनाथ ने ये बयान दे दिया कि इन्होंने मुलायम सिंह के ऊपर ये टिप्पणी की थी तो मैं प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया 24 घंटे के अंतर तो आप देना पड़ जाएगा। आप पत्रकारिता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइएगा। घनश्याम जी आपको देना पड़ेगा ये खाद्यान्न घोटाला। आपको मीडिया एंकर्स की ये डिबेट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब घड़ी के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।